नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय धर्म में। रुक करते हैं खबरों का। आपको बताएं कि इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले रुक उसका करते हैं मुंबई से महाराष्ट्र में। आपको बता दें कि बढ़ते आंकड़ों के बीच में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र में लॉकडाउन को लेकर यह बड़ी खबर है। टास्क फोर्स ने लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की है और 14 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया जा सकता है। आपको बताएं कि पूरे देश में लगातार कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में तमाम राज्य सरकारें सख्त कदम उठाती नजर आ रही हैं। और इस बीच आज आपको बता दें कि जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी दलों की बैठक ली थी, तो वहीं आज महाराष्ट्र में भी बैठक हुई थी और इस दौरान टास्क फोर्स ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सिफारिश की है कि कम से कम 14 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाना चाहिए। हालांकि इसको लेकर अभी फैसला नहीं लिया गया है कि लॉकडाउन कब लगाया जाएगा, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर महाराष्ट्र से। आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से लगातार वहां पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हर रोज पुराने आंकड़े तोड़ते हुए नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। मुरारी सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। मुरारी सिंह, बड़ी बैठक हुई है और साथ में लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर, क्या अपडेट विस्तार से बताएं। जी मोहित, बिल्कुल सही कहना है। लगातार स्थिति मुंबई सहित महाराष्ट्र में खराब हो रही है। अगर आज की बात करें तो 24 घंटे में 9,900 से ज्यादा कोरोना संक्रमण मरीज पाए गए हैं, जबकि 58 लोगों की 24 घंटे में मुंबई में कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई है। आपको बताएं कि इसे लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हर संभव जो है कि कोशिश कर रहे हैं कि इसे कैसा रोका जाए, क्या किया जाए। जी, ये हर संभव उनका कोशिश है। यही वजह है कि पहले उन्होंने सर्वदलीय बैठक की थी और उसके बाद जो है कि ट्रांसपोर्ट जो सबसे बड़ा दिक्कत बन रहा था कि आखिर ट्रांसपोर्ट को कैसे रोका जाए, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट के जो समिति थी उनके साथ में चर्चा की गई है। बहुत जल्दी निर्णय होंगे। और जो मोहित मैं तस्वीरें देख पा रहा हूँ मुंबई की, अब ऐसी स्थिति में मुंबई पुलिस पूरी तरह से कमर कस चुकी है। जगह जगह पर कैंप बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो जगह जगह पर कैंप बनाए जा रहे हैं, सख्ती बढ़ा दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो मुंबई से हमारे संवाददाता जुड़े और कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से तमाम राज्य जो सख्ती बढ़ा रहे हैं, महाराष्ट्र में भी सख्ती बढ़ाई जा रही है, लेकिन साथ में लॉकडाउन की सिफारिश कोविड टास्क फोर्स के द्वारा की गई है। तो आपको बता दें कि पूरे देश में तेजी के साथ में लगातार कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में सभी की नजरें टीकाकरण पर हैं, पर देश में वैक्सीन संकट की बातें कही जा रही हैं। देश के कई राज्यों ने वैक्सीन की मांग की है, यहां तक कि वैक्सीन को लेकर सियासत भी चरम पर है। जहां लगातार केंद्र सरकार वैक्सीन की कमी से इनकार कर रही है, तो वहीं महाराष्ट्र पंजाब सहित कई राज्यों ने पत्र लिखकर वैक्सीन की मांग की है। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर ही बड़ा आरोप लगा दिया है। केजरीवाल का आरोप है कि सरकार वैक्सीनेशन सेंटर ही नहीं खोलने दे रही। तो वहीं केंद्र सरकार 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने का कार्यक्रम चला रही है, मगर टीका उत्सव ऐसे समय पर आयोजित किया जा रहा है जब कई राज्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों ने वैक्सीन कमी की शिकायत की है। इतना ही नहीं, खबरें यह भी है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि टीका उत्सव के लिए जितनी वैक्सीन की जरूरत होगी उतनी वैक्सीन देश में नहीं है। इस तरह की खबरें बताई जा रही है, लेकिन साथ में आपको बता दें कि हर रोज एक जो वैक्सीन कंपनी है 28 लाख वैक्सीन तैयार करती है और ऐसे में 7 करोड़ वैक्सीन की जरूरत टीका उत्सव के लिए पड़ेगी। हमारी कोरोना की गति बहुत धीमी है। मैंने केंद्र सरकार से कई बार हाथ जोड़ के निवेदन किया है, केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है, प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है कि ये जितने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं वैक्सीनेशन के ऊपर, सब रिस्ट्रिक्शन हटा दीजिए। अभी तो ऐसी जरूरत है कि सरकार, हमारी सरकार तैयार है, दिल्ली सरकार तैयार है, हम घर 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 जाके कोरोना की वैक्सीन लगाने को तैयार हैं। हमारे स्टाफ जो है वो घर घर जाके वैक्सीनेशन लगाने को तैयार है। 2-3 महीने के अंदर, मैं अभी मुख्यमंत्रियों की जब बैठक हुई उसमें और भी 2-3 मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम 3 महीने के अंदर पूरे अपने राज्य को कोरोना की वैक्सीन लगा देंगे। केंद्र सरकार से निवेदन है, केंद्र सरकार ने बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं कि सेंटर नहीं खोल सकते, ज़्यादा सेंटर नहीं खोल सकते, इस उम्र से कम लोगों को नहीं दे सकते। अभी तो हमें लार्ज स्केल के ऊपर, युद्ध स्तर के ऊपर सारी मशीनरी हमें वैक्सीनेशन के ऊपर लगा दे। विजयी बनाने के लिए टीका उत्सव के कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से पूरे प्रदेश के अंदर
बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश के अंदर आज 6000 केंद्रों में टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ये टीकाकरण कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने और हर नागरिक को सुरक्षित करने के अभियान का हिस्सा है। अरविंद केजरीवाल जो सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि केंद्र सरकार रोक हटा दे तो 3 महीने के अंदर सभी का वैक्सीनेशन हो जाएगा, सभी को टीका लग जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि टीका कार्यक्रम सही तरीके से चल रहा है। और इतना ही नहीं, टीका उत्सव जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसको लेकर उन्होंने बात कही थी वो चल रहा है। 14 तारीख तक ये टीका उत्सव चलेगा, तमाम राज्यों के अंदर ही चलाने की तैयारी है। लेकिन साथ में कई राज्यों ने ये बात कही कि उनके पास वैक्सीन ही नहीं है। और आज के इसी मामले को लेकर हम चर्चा करेंगे। आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए रमन मलिक हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। मोहम्मद अमीन हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमीन साहब, रुख मैं आपका पहले करना चाहूंगा, टीका जारी है, टीका उत्सव जारी है, क्या लग रहा है कि ऐसी ही है देश की सरकार की तैयारी? हाँ, कितनी देर है जी अमीन साहब? जी हाँ, देखिए देश ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, जहां तक सवाल है जी, ये पूरी हमारे पास पर्याप्त औषधि और इंजेक्शन हमारे पास मौजूद हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यह क्या है कि हमारे जो 3 स्टेट हैं, अभी देखने में आया था कि पंजाब और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इनमें हमारी सेंट्रल टीमें गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की वो चेक करके आई थी। उनमें 30 जो डिस्ट्रिक्ट थे वो थे आपके महाराष्ट्र के, और 9 डिस्ट्रिक्ट थे पंजाब के, और 11 डिस्ट्रिक्ट थे छत्तीसगढ़ के। वहाँ पे जो सेंट्रल टीमें गई थी वहाँ पे कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था, जिसकी वजह से केंद्र को ये लोग बता रहे हैं कि केंद्र के पास मजबूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है, इनके पास रखरखाव के लिए पूरी जगह नहीं है, बल्कि 5 लाख टीके इससे पहले पता चला होगा कि वो खराब हो गए थे महाराष्ट्र के, ऐसी बात नहीं है जी। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, मैं रुख आपका करना चाहूंगा, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, सरकार की क्या तैयारी है, किस तरीके से इन तमाम समस्याओं से डील कर रही है सरकार? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये संदेश आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूंगा कि 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, बिना मास्क घर के बाहर नहीं, और सबसे बड़ी चीज अपने हाथ धोने, सैनिटाइजर लगाना। ये जो हम 1 साल से कर रहे थे हमने एकदम ये छोड़ दिया। हम सोचने लगे कि अब तो सब कुछ भगवान ने ठीक कर दिया है तो चलते चलेंगे। ये अभी वायरस जाने वाला नहीं है साहब, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जितने होंगे वो ये जानते हैं कि वायरसेस जो हैं वो टाइम लेते हैं जाते हुए जी। टीकाकरण की कोई कमी नहीं है कहीं पे भी, ये रोलिंग स्टॉक होता है भारत सरकार की तरफ से, जो भी आएगा वो रोलिंग स्टॉक होगा, आपको इकट्ठे लाके पटक नहीं दिया जाएगा, बनता जाता है आता जाता है, बनता जाता है आता जाता है। हाँ, इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, इसमें आप ये देखें एक बड़ा विचित्र स्थिति है कि जहां राजस्थान और मध्य प्रदेश टॉप 3 में है टीकाकरण में जी, और ऊपर से फिर बोलते हैं कि कमी है। कमी साहब टीकों में नहीं है, ना कमी टीका देने की नियत में है, कमी है तो 2 चीज में, और वो है एक आपकी जो राजनीति करने की मंशा है, एक तो वो, क्योंकि अगर आप इन स्टेट्स में देखेंगे तो पंजाब हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, 60 साल से ऊपर के जो लोग थे उनके टीकाकरण कहीं भी 40% से ऊपर नहीं पहुंचा है, फ्रंटलाइन वर्कर्स में कम है टीकाकरण, वॉरियर्स में, कोरोना वॉरियर्स जो है उसके लिए कम है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स में अभी पूरी तरह से नहीं हुआ। तो ये सारा जो है एक आपकी नियत बताता है। दूसरी चीज सर, विश्व में पहला देश है जिसने 85 दिनों के अंदर 10 करोड़ लोगों को टीकाकरण करा है जी, बाकी सारे बड़े बड़े व्यवस्थाएं जो हैं उन्होंने किसी ने 100 दिन, किसी ने 103 दिन। अब एक और चीज मैं आपको बोलता हूं,
आप ये सर्च करके देखें, और ये मैं आपके दर्शकों के माध्यम से भी बोल रहा हूं कि ये सर्च करके देखें कि अब जब आप वैक्सीनेशन का सर्च करते हैं तो फाइजर, एस्टेक, मॉडर्ना, इनकी एड्स आने लग जाती है गूगल पे। क्यों? कहीं ये तो नहीं कि जिस तरीके से रफाइल के टाइम लॉबिंग हो रही थी, कहीं वही लॉबिंग दोबारा ये काम शुरू ना हो गया हो? जी, तो ये बड़े सवाल हैं देश के सामने। मैं इसमें राजनीति करने वालों को एक ही हिदायत देना चाहता हूं कि इसमें मनुष्य के जीवन की बात है। जी, मनुष्य के जीवन के ऊपर अपनी राजनीति का खेल ना खेलें। भारत के लोगों के साथ मिलके इस महामारी की लड़ाई के साथ उनका साथ दें ताकि ये महामारी को हम हटाएं। भारत ने रिकवरी भी अच्छी करी, मृत्यु दर भी कम रहा, भारत ने इकोनॉमिकल रिकवरी भी अच्छी करनी शुरू कर दी है। तो कम से कम भारत का साथ दें, ना कि भारत के दुश्मनों का साथ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारी भी कोशिश यही है कि गंभीर तरीके से चर्चा हो, इसीलिए आप दोनों अनुभवी लोगों के साथ में हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। अमीन साहब, में रुख आपका करना चाहूंगा, जिस तरह की तस्वीरें कई जगहों से हमने देखी, हमने देखा कि महाराष्ट्र में किस तरीके से कई वैक्सीनेशन सेंटरों के बाहर ये नोटिस लगे हुए हमने देखे कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन खत्म हो चुकी है, आउट ऑफ स्टॉक है। और सिर्फ महाराष्ट्र की हम बात नहीं कर रहे हैं, और भी कई जगहों पर, खुद नोएडा की हम बात करें, गाजियाबाद की हम बात करें, वहां पर भी हमने तस्वीरें देखी। इस तरह की जो तस्वीरें हैं उनका क्या मतलब है सर? देखिए, सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि उसको टीके देने हैं और टीके जनता के लिए हैं। अब आपको एक चीज मैं आप बताऊं, जो देखने में आया शुरू में क्या था कि टीके हमारे पास ज्यादा सरप्लस थे। रीजन क्या था कि लोगों में कुछ शक शुभा था कि वो इनके लिए सूट करेगा नहीं करेगा, इसलिए बहुत से लोग लगवाना नहीं चाहते थे। लेकिन जब से देखिए कि सरकार के लोगों ने, प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने और उन प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने और गवर्नर ने लगवाने शुरू कर दिए टीके, तब से देखिए लोगों में जागरूकता आई है और कुछ ज्यादा एंथुसियाज्म हो गया, मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे कि हमें अपनी जान को बचाना है। इस कारण से भी लगता है मुझे कि कुछ शॉर्टेज आई होगी। ऐसा नहीं मैं कह सकता कि शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि लोगों ने ज्यादा लगवाना शुरू कर दिया टीका अपने जीवन को बचाने के लिए। तो इसलिए वहां पर कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं ज्यादा लोगों ने किया, लेकिन वहां पर ज्यादा ज्यादा लाइनें पहुंच गई हैं लगने के लिए। इस कारण से भी मुझे लगता है शॉर्टेज महसूस हो रही है और इसको पूरी सरकार कोशिश कर रही है मुझे लगता है। और उन्होंने जैसे एडीवायर ड्रग्स थी, उसका भी एक्सपोर्ट इंडिया ने बंद कर दिया बाहर को अपने इंडियंस के लिए। आज देखिए स्थिति क्या हो गई, 11 लाख एक्टिव केसेस हो गए हैं आज 11 अप्रैल को। तो ये सोचने का विषय भी है और लोगों में जागरूकता आई है, इसमें कोई दो राय नहीं, सभी समझते हैं इस बात को। जी बिल्कुल, अमीन साहब मैं एक और मामले को लेकर आपका कमेंट लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटे से ब्रेक पर हमें जाना होगा और ब्रेक के उस पार भी लगातार चर्चा का सिलसिला जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है, हमारे साथ दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। अमीन साहब, लगातार जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आउट ऑफ स्टॉक की बातें कही जा रही हैं। हालांकि अभी भी सरकार के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों ने दो दो बार अपनी वैक्सीन ले ली है वो लोग भी संक्रमित पाए जा रहे हैं। इस तरह की जो तस्वीरें जब सामने आती हैं, क्या लग रहा है कि क्या एक गलत संदेश जा रहा है जनता के बीच में इस तरह के मामलों को लेकर? कई डॉक्टरों की हम बात करें तो एम्स के डॉक्टर, कई 20 से ज्यादा जो डॉक्टर हैं वो संक्रमित पाए गए हैं। देखिए, जहां तक सवाल है वैक्सीनेशन का, तो वैक्सीनेशन इनका उपचार नहीं है। जहां तक की सभी शुरू में ही कहा गया था, सभी ने साइंटिस्टों ने भी यही कहा कि वैक्सीनेशन ले लीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। उसके साथ क्या करना है कि आपको पूरा उसका प्रोटोकॉल मानना है, जैसे कि आपको मास्क लगाना है, दूरी रखनी है, हाथ की सफाई रखनी है और जनता पे मिक्सअप नहीं होना है। क्योंकि शुरू में हमारे यहाँ कितना कंट्रोल हुआ है इंडिया में, क्योंकि सभी लोग अपने घरों में थे, फुल्ली लॉकडाउन था, इसलिए स्प्रेड नहीं हो रहा था। लेकिन अभी हमारे कुछ फेस्टिवल आए हैं, सभी त्योहार, उन त्योहारों में लोगों ने बिल्कुल आजादी रखी अपनी और बिल्कुल आजादी के साथ घूम रहे थे, ना तो लोगों पे मास्क था और खरीदारी भी कर रहे थे, मिलजुल भी रहे थे। अभी अच्छा हमारा होली का पर्व गया है, उसमें भी लोगों ने उसका ध्यान नहीं दिया प्रोटोकॉल का, जिसका नतीजा वो ये हुआ है कि अलग सडन से एकदम से स्प्रेड हुआ है और आज ये स्थिति हो गई है कि 11 लाख केसेस एक्टिव रजिस्टर हो गए हैं और डे बाई डे बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक सवाल वैक्सीन का है, वैक्सीन तो सिर्फ जाके बॉडी में सिर्फ उसको एक्टिव कर सकता है, लेकिन उसको रोक नहीं सकता कोरोना को। इसलिए लोगों को पूरा प्रोटोकॉल मानना होगा, हमारी जनता को भी साथ देना होगा। अब ये कहने से तो काम नहीं चलेगा, लेकिन हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन गवर्नमेंट्स को भी चाहिए कि पूरा तालमेल बना के रखें और अपनी डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है सेंटर से तालमेल करें, जो भी उनकी कमियां है उसको दूर करें और जनता के लिए जो राहत की सांस है वो केंद्र भी देगा और स्टेट को भी पूरा ध्यान रखना है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम चलने वाला नहीं है। बिल्कुल सही बात, जनता भी साथ दे। जी मलिक साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरह की स्थिति है अब, जैसे कि वैक्सीनेशन को लेकर हमने बात कही कि कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो संक्रमित पाए गए, तो क्या लग रहा है कि अगर सिर्फ वैक्सीन ही इसका संपूर्ण रूप से इलाज नहीं है तो क्या लॉकडाउन की तैयारी होगी? लॉकडाउन ही इसका इलाज होगा, क्योंकि इससे पहले लॉकडाउन से ही राहत मिली थी देश को? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जहां तक आप लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, लॉकडाउन के ऊपर भी बथेरी राजनीति हुई इस देश में, ये हमने सबने देखा। बिल्कुल, लेकिन लॉकडाउन ने जिस प्रकार से भारत को बचाया वो और कोई नहीं बचा सकता। जी, थोड़ा हमारी प्रवृत्ति भी हम भारतीयों की ये है कि जब तक सख्ती ना हो हम काम थोड़ा कम ही करते हैं और अपनी सुरक्षा की भी परवाह नहीं करते। लेकिन हाँ, जब अगर आप वैक्सीन की जब बात करें, क्योंकि मेरी अर्धांगिनी, मेरी धर्म पत्नी जो है वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है, एक डॉक्टर है, जी, तो इसलिए मैं इस विषय को थोड़ा सा उनसे समझा हूँ कि वैक्सीनेशन किसी भी चीज का, चाहे वो स्मॉल पॉक्स का हो, चाहे वो पोलियो का हो, चाहे वो दूसरा हो, वैक्सीन एक पूरा इलाज नहीं है। जी, वैक्सीन से आप ये कहें कि जी वैक्सीन लगा लिया तो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये वैक्सीन जो है आपको 60-70-80% बचाएगी, लेकिन अपने आप को भी बचाना आपने खुद है। बिल्कुल, जैसे कि आपने अगर इंश्योरेंस पॉलिसी निकलवा ली है अपने जी, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता। जी, आपको अपनी सुरक्षा, अपने जान माल की सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। और मेरा आग्रह ये है, जो लोग भीड़ भड़ाके में जाने की बार बार कोशिश करते हैं कि भाई थोड़े दिन घर बैठ जाओ, ऐसी कोई आफत नहीं आएगी अगर आप बाहर नहीं जाएंगे तो। बिल्कुल, अगर आप ये प्रदर्शन धरनों में नहीं जाएंगे, चुनावी रैलियों में नहीं जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं है। सही बात, लेकिन अगर आपकी जान चले गई तो आपके पीछे जो रह जाएंगे उनके बारे में थोड़ा सा सोचें कि वो क्या उनके साथ गुजरेगी। इसलिए, और दूसरी चीज ये भी कि कोई ये बहुत सस्ते इलाज नहीं है इसके। अगर आप, भगवान ना करे, आपको आईसीयू की जरूरत पड़ गई तो फिर आपके बहुत खर्चे हैं, बहुत खर्चे हैं। तो अपने आप को बचाएं, सरकार की दी हुई, आपके प्रधानमंत्री बार बार मास्क लगाने की गुहार करते हैं, अपने आप भी लगा के घूमते हैं। वो जो 2 गज की दूरी है उसके लिए बार बार आपको चेताते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन भी, बाकी मिनिस्टर भी। हम क्या इतना सा काम अपने घर वालों के लिए नहीं कर सकते कि हम अपना हाथ बार बार धोएं, हम मास्क लगा के बाहर जाएं,
हम दो गज की दूरी रखें, और अगर जरूरी नहीं है तो बाहर क्यों जाना है भाई? बाहर जाए बिना भी तो घर में शांति से आप रह रहे थे लॉकडाउन के अंदर, बिल्कुल, और फालतू के खर्चे भी कम हो रहे थे, तो अपनी जेब को भी बचाइए। लेकिन हम लोग थोड़ा सा परवाह नहीं करते। दूसरी चीज देखिए, इस बारी जैसे साहब बोल रहे थे कि होली पे लोगों ने करा, लेकिन आपको अगर आप याद रखें कि इस बारी होली बहुत फीकी और बेरंगी गई, क्योंकि लोगों ने ये समझा भी है, बहुत सारे 5-10% 20% लोगों ने अगर खेली, हुड़दंग मचाया, तो 80% ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अवॉइड करा, बिल्कुल, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। ऐसे ही दिन भर में अगर आप देखें, बसों में ट्रैवल कर रहे, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे लोग भी अपना ध्यान रख रहे हैं, मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ, और उनका वैसे ही अभिवादन होना चाहिए जैसे कोरोना वॉरियर्स का, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं ये काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात बार बार ये आती है कि इस महामारी के समय में राजनीति, दोषारोपण किस लिए, इससे क्या फायदा है? सही बात, फायदा कुछ नहीं है। एक देश को नुकसान है, दूसरा विदेशी कंपनियों को फायदा जरूर हो सकता है कि आप प्रेशर बनाए कि विदेशी कंपनियों की दवाइयां कर ली। बिल्कुल, ये इसी मुद्दे पर भी मैं थोड़ा आना चाहता था अमीन साहब, क्योंकि आप कई बड़ी जिम्मेदारियां आपने निभाई हैं, बहुत आपने सेवाएं दी हैं, इस बात को मैं आपसे थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा। जो वैक्सीन हमने दूसरे देशों को दी, दान में हमने दी, या फिर जिस तरीके से भी हमने दूसरे देशों में पहुंचाई, क्या लगता है कि पहले वैक्सीन हमारे देश के जो तमाम के लोग थे, उम्र की कोई सीमा ना होती, सब लोगों को मिलनी चाहिए थी, हमें वाहवाही के चक्कर में नहीं रहना चाहिए था? ये बात तो सही है कि हमें जो है अपने देश को पहले देखना चाहिए, सबसे पहले अपने देश को, अपने देशवासियों को देखना चाहिए था, उसके बाद इन वैक्सीन का एक्सपोर्ट करते, चाहे वो फ्री देते या पैसे से देते, लेकिन सबसे पहले हमारे देशवासी हैं और देशवासियों के बारे में सोचना चाहिए था, और जब हमारा पूरा क्योर हो जाता तब उसके बाद हम इनको दे सकते थे। जैसे कि एक आदमी अपने घर में पहले पूरा खाना खा लेता है, तब आगे दिन थोड़ा दान करने की बात सोचता है एक्सेस में, तो ठीक है, थोड़ा बहुत हालात इतने अच्छे नहीं है हमारे देश के, इसलिए ये चाहिए था हमें कि हम एक्सपोर्ट के साथ साथ अपने देश का पूरा 80%, मैं कहता हूँ 75% या 80% अपने यहाँ रखने के बाद 25% करते। हुआ क्या कि हमने कुछ ज्यादा एक्सपोर्ट कर दिया और हमने समझा कि हमारे यहाँ इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात समझने की है, उस वक्त क्या इतनी पब्लिसिटी नहीं हुई थी, लोगों ने इस टीके को यूज नहीं किया था, जिसकी वजह से लोग डर रहे थे, तो हमने ये समझा कि हमारे पास एक्सेस हो गया है और हमने उनको बाहर भेज दिया, ये नहीं खोल सोचना चाहिए था। अभी क्या है, जनता ये समझ रही कि ये सुरक्षित है, ठीक है, और जो यहाँ के VIPs भी लगवा रहे हैं, मुख्यमंत्री ने लगवाया और प्रधानमंत्री ने लगवाया, तो देते हुए लोगों को ये आशा आई कि हम भी लगवा सकते हैं और हम बच सकते हैं, तो इसलिए ज्यादा लगवाने लगे लोग, बल्कि बिना रजिस्ट्रेशन के, कई डॉक्टर्स ने बताया अस्पतालों में लाइनें लगी हैं बिना रजिस्ट्रेशन के, वहां पहुंच गए। नहीं, उत्साह तो वाकई में लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला, जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से प्रचार हुआ है, बहुत भारी संख्या में लोग सेंटर्स पर पहुंचे हैं। मलिक साहब, आखिरी कमेंट के रूप में मैं आपके पास आ रहा हूं, और सवाल ये होगा कि जब इस तरह की स्थिति है, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, वैक्सीन की कमी की बातें कही जा रही है, तो क्या सरकार निर्यात पर भी रोक लगाएगी? देखिए, सरकार ने अभी इस चीज को निर्यात करने में बिल्कुल नहीं कर रही। जो हमने इंटरनेशनली वैक्सीन दी हैं, कुछ प्रोटोकॉल में दी हैं, कुछ मानवता के आधार पर दी हैं, बिल्कुल दी हैं सब। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जो सिस्टमैटिक बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द वर्ल्ड, उनको देख के हमने जब ये पूरा सिस्टम बनाया था कि जी पहले 60 साल से ऊपर के लोग, फ्रंटलाइन वर्कर्स सबसे पहले, डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसके बाद 60 साल के लोग, उसके बाद 45 साल के लोग, 45 साल से ऊपर के अगर लोग मैं देखना चाहूँ तो इस देश के अंदर लगभग 330 मिलियन है जी। और हमारी 1 जनवरी से लेके 1 जून तक ये जो 6 महीने का समय है, इस 6 महीने में अंदाजन 66 मिलियन हर महीने की जो है प्रोडक्शन है। बिल्कुल, मैं अब ये समझना चाहता हूँ कि जब ये प्रोडक्शन 396 मिलियन की थी और हमने सिर्फ 80 मिलियन डोजेस अभी तक एक्सपोर्ट कर दी है जी, तो हम कहीं से जो क्राइटेरिया सेट करे थे उसमें कमी नहीं है, कमी नहीं है। चलिए, एक और चीज बहुत बड़ी जी, ठीक है सर, समय की कमी के चलते मैं आपको सर बीच में रोक रहा हूँ। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अमीन साहब, मैं आखिरी कॉमेंट आपका लेना चाहता था, लेकिन समय की कमी के चलते हम नहीं ले पा रहे, लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा किया और आज की इस चर्चा में हिस्सा लिया। लगातार जिस तरह की स्थिति देश में है, बढ़ते आंकड़ों के बीच में हर किसी की निगाहें फिलहाल वैक्सीनेशन पर हैं, लेकिन
टीका उत्सव चल रहा है, टीके उत्सव में कितनी सफलता सरकार को मिलती है देखना दिलचस्प होगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।